हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आप मेरा पहला वीडियो शायद देख के आए होंगे या सेकंड वीडियो पर आए हैं, तो आ जाते हैं। आज प्रोफाइल बनाते हैं पहले कि फाइबर प्रोफाइल होती कैसे, बनती कैसे है, उस पर आ जाते हैं। इजी प्रोसेस है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बैठिए। और अगर आपका पास लैपटॉप हो तो उसे तुरंत ऑन कर लीजिए, पीसी हो तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि साथ ही साथ करते चलेंगे तो ईजी होगा। अगर कहीं पर आपको समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देख लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछना, यार मैं बैठा हूँ, जवाब देने के लिए किस बात की टेंशन है आप लोगों को। मैं तो हुई ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी कर देना, ठीक है। तो आ जाइए, चलते हैं इस पे। तो भैया ऐसा है कि पहले आप अपना, आपने पीसी ऑन कर ही लिया होगा, अपना जीमेल खोल लीजिए। जीमेल मैं प्रिफर करूंगा कि आप जीमेल से ही लॉग इन करिए, अपने फाइबर अकाउंट बनाते समय जीमेल का यूज करिए। तो उसको लॉग इन कर लीजिए, एक एक टैब में खोल लीजिए, ऊपर ही प्लस का साइन होगा टैब के बगल में, उस पर क्लिक करके आप सेकेंड टैब में आ जाइए। सेकेंड टैब में फाइबर सर्च करिए। मैं क्रोम ब्राउजर ब्राउजर का यूज़ कर रहा हूँ। फाइबर सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए। पहले लिंक पे क्लिक करिए, करते भाई। हाँ, पहले लिंक पे क्लिक किया। अभी ज्वाइन के बजाय साइन इन पर क्लिक करिए। नीचे आप एक्सप्लोर करना चाहें तो थोड़ा कर लीजिए, देख लीजिए फाइबर होता क्या है क्या नहीं होता। थोड़ा इसको आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो सब पर सारे उस पर जा जाकर आप एक बार देख सकते हैं कि आप क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी आ जाते हैं साइन इन सेक्शन पे, जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है। ज्वाइन पे ना जाके साइन इन पे जाइएगा। साइन इन पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हिंदी में मैं बता दूँ, ये जो पीछे वाला सिस्टम रखा हुआ है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे वाइफ का है, तो वाइफ का ही अकाउंट में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा पहले से है और दो अकाउंट बनाना अलाउ नहीं है फाइबर पर। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हिंदी में था तो इंग्लिश में इसको कर दिया। और इसको आप, मैं, मेरी वाइफ का ये मेल है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। लॉग इन होने लगा है, वो चेक कर रहा है और लॉग इन हो चुका है। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। अभी ज्वाइन फाइबर करके आ गया, नीचे मेल आईडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये जो मेल है, ये जो नाम दिया हुआ है, यूजर नेम दिया हुआ है ये फाइबर का, इन्होंने, फाइबर वालों ने मुझे दिया है। आप इसको अपने स्वेच्छा अनुसार, मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई नाम ना मिला मेरे हिसाब का तो यही यूज़ कर लेंगे। तो पहले देखते हैं, संजू चेक करता हूँ। संजू नहीं ले रहा है, 00 भी नहीं ले रहा है, 007 ले लिया। संजू 007 इसने ले लिया है, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ज्वाइन करिए, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा अकाउंट, और ये आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी बनाने में। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैसेज करके मुझे बताना। अपने प्रोफाइल पे जाइए, इसके बाद प्रोफाइल पे जाकर अपना प्रोफाइल पिक लगाइए, जो लगी हुई है। प्रोफाइल पिक लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लगे कि आप यू आर, मतलब जेन्युइन पर्सन है आप। प्रोफाइल पिक लगा लीजिए, और ये सारी डिटेल है अकाउंट की आपके, अपना नाम आप सेव कर लें, क्योंकि आपका नेम सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आप इसी यूज़र नेम से आगे फ्यूचर में आप फाइबर यूज़ करेंगे, लॉगिन करते वक्त भी यही यूज़र नेम मांगेगा। तो इसको सेव कर लीजिएगा कहीं पर, उसके बाद में आप आ जाइए अपने सेटिंग सेक्शन पे। प्रोफाइल पे ऊपर जो लिखा, ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से नीचे आइए, प्रोफाइल सेक्शन पे, सेटिंग सेक्शन पे, सेटिंग से सिक्योरिटी पर आ जाइए। सिक्योरिटी पर आकर पासवर्ड सेट कर लीजिए अपना। तो ये पासवर्ड सेव करेंगे, इसमें एक करेक्टर ऐसा लेना होता है, नीचे लिखा हुआ 8 करेक्टर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर करेक्ट होना चाहिए लेटर, और साथ ही साथ नंबर होना चाहिए कोई। तो मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। देखिए जैसे सेव किया तो वो बोलने लगा कि करेक्टर, मतलब एक मतलब अपर लोअर का मैंने जो सारे स्मॉल लेटर में लिख दिए थे, तो कैपिटल लेटर कर लेते हैं। तो एक को कैपिटल लेटर जैसे ही करेंगे वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये वेरीफाई कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कल को कोई दिक्कत आती है आपके अकाउंट में तो वेरीफाई रहेगा अकाउंट, तो बहुत सही रहेगा। नंबर डालूंगा अपने वाइफ का, और कोड आपके पास मोबाइल पर आ जाएगा फट से। कोड डालिए,
कोड डालते ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई। उसके नीचे ठीक दिया हुआ है ऑप्शन कि आप क्वेश्चन सेट कर लीजिए। क्वेश्चन सेट करने का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन सेट करेंगे तो आपका फ्यूचर में कभी आपको अपना अकाउंट रिट्रीव करना हो, हैक हो गया हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा वही चीज सेलेक्ट करिएगा जो आप सच में हो। लाइक अगर आपके पास पेट हो या आपका निकनेम कोई रहा हो तो सही वाला लिखिएगा, मतलब जो रहा हो, ताकि फ्यूचर में आप अगर वो रिट्रीव करने को मांगे तो आपको सोचना ना पड़े कि क्या चीज मैंने लिखा था, या सेव कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ भी इन सब में से कोई भी चीज आपको ना याद रहे तो उसको सेव करके कहीं रख लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए, मतलब तो वो भी डिजास्टर में। तो मैं निकनेम बोलूंगा, वाइफ का निकनेम अपने यूज करूंगा, तो व्हाट इज चाइल्डहुड निकनेम, तो उसी पे जाते उसको बोलते हैं अगर प्यार से लोग, तो वही सेव कर लेते हैं। ओके, वेरीफाई कर दिया अकाउंट। अभी क्या हुआ कि अकाउंट वेरीफाई हो गया, करंट पासवर्ड भी लिख के आ गया कि ये आपका करंट पासवर्ड है, आगे फ्यूचर में अगर चेंज करना चाहें तो न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मांगेगा। तो ये हो गया अकाउंट। अभी थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए, थोड़ा चीज़ें देख लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फोटो मैंने लगा दिया है वाइफ का अपने, तो आप भी अपनी फ़ोटो लगा लीजिए प्रोफाइल पिक्चर में, बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि गिग कैसे बनते हैं। ये दोनों वीडियो मैंने बैक टू बैक बना दिया, ये दोनों वीडियो मैंने बैक टू बैक बनाया है, दोनों ही साथ में अपलोड कर दूंगा, दोनों साथ में एडिट करके साथ में अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि एटलीस्ट आपका ये जिग, एटलीस्ट आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकोगे। थोड़ा एक्सप्लोर करो, अगला वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग गिग भी बनाना सीख लो। फिर मैं उसे बताऊंगा कि किस तरीके से गिग को अच्छा करते हो, कि आपकी जैसे मैंने बताया आप मार्केट में गए हो कपड़ा खरीदने तो आपकी शॉप देख के लोग आ रहे हैं, अच्छी शॉप है तो लोग आएंगे, उसी तरीके आपकी गिग अच्छी है तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपको प्रोजेक्ट आसानी से और जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया फाइवर की बातें। चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको बहुत मजा आएगा, और ये सीरीज जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप पहले से फाइवर पे हो तो भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई है जो चीज़ मैं इस पर शेयर करने वाला हूँ। अभी पहले इसको क्रिएट करा दूँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन आने लगे, फिर मैं उन चीज़ों का पर वीडियो बनाऊंगा जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है पहले। मतलब आप लोग इसे सर्च करते हैं कि दो अकाउंट क्रिएट कर ले तो क्या होगा, मैं कर दिया था, मेरा अकाउंट किसी का हैक हो जाए तो क्या होगा, वो मेरा हो चुका है तो सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत है। तो ये सब चीज़ें अब मैं आप लोग को भी बता दूंगा। खैर, यू आर वॉचिंग टेक24, मैं मनु सिंह, थैंक यू सो मच।